press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. सवाई माधोपुर के बौली में ग्राम हथडोली के सरपंच रघुवीर मीणा की बजरी खनन माफियाओं द्वारा हत्या किए जाने के बाद हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए ग्रामीणों और परिजनों ने पिछले चार दिनों से आमरण अनशन कर रखा है। मामला 14 फरवरी 2018 का है, जब देर रात सरपंच रघुवीर मीणा की बजरी माफियाओं द्वारा हत्या किए जाने का मामला सामने आया था, जिसमें एक दर्जन लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। रिपोर्ट के अनुसार 14 फरवरी को क्षेत्र में हो रहे बजरी के अवैध खनन के खिलाफ कार्यवाही करने खनन विभाग के सहायक अभियंता और सरपंच मौके पर गए थे। वहां मौजूद माफियाओं ने उन पर पत्थरों से हमला कर दिया था, जिसमें हथडोली सरपंच रघुवीर गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिसे गंभीर हालत में जयपुर रेफर किया गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो गई थी। अब तक हत्यारों को गिरफ्तार नहीं किए जाने के विरोध में परिजनों और ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट के सामने पिछले चार दिनों से आमरण अनशन किया हुआ है। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने चार जनों को हिरासत में लिया, जबकि मुख्य आरोपी अभी बाहर है। सर, उन्होंने आश्वासन दिया है, जो अतिक्रमण वाली मांग रखी थी हमने, उसको कल ही स्टार्ट कर देंगे उठाने के लिए। बाकी उन्होंने हमारी जाँच CID CB में देने की कहा है। इसके अलावा जो और जाँचें हैं वो कलेक्टर साहब करेंगे, बाकी और है वो राज्य सरकार करेगी। अभी कितने दिन से आमरण अनशन पे बैठे? सर, हम चार दिन से आमरण अनशन पे बैठे हैं। जब तक सारी मांगे पूरी नहीं होंगी, जब तक हम नहीं बैठे रहेंगे। अभी हमारी तीन मांगे मानी गई। सोमवार को परिजनों ने भरतपुर रेंज IG आलोक वशिष्ठ से भी मुलाकात की। IG ने जल्द इस मामले में कार्यवाही किए जाने का भरोसा दिलाया। इसमें जो प्रतिनिधि मंडल था उनसे बुला के उनके द्वारा जो ज्ञापन दिया गया था उनकी मांगों के संबंध में चर्चा की गई है, और जो भी मांगों के बिंदु थे उसके ऊपर उनको ठोस आश्वासन दे दिया गया है, जो भी कार्रवाई तत्काल यहाँ पे जिला प्रशासन के स्तर पे हो सकती है उन बिंदुओं के ऊपर कार्रवाई चल रही है वो उनको बता दिया गया है। और एक आध बिंदु ऐसे हैं जिसमें मुख्यालय स्तर पे राज्य सरकार के स्तर पे जो कार्रवाई होनी है उसके बारे में उनको बता दिया है कि वो जो चाह रहे हैं कार्रवाई के लिए वो अनुशंसा करके और वहाँ पे बता दिया जाएगा मुख्यालय पर। तो मेरे ख्याल से इसमें कल तक जो इनकी डिमांड्स है उस पे संतोष व्यक्त करते हुए ये धरना उठा लेंगे, ऐसा इन्होंने हमें बताया।